हालेलुया ग्लोरी टू द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, आज के इस सुंदर दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में हमें आना है। कल हमने ये सीखा था धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में। दाऊद बोलते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। और उसका अगला पद बहुत महत्वपूर्ण है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरा प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए सबसे बड़ी बात हमारी अधर्मों को क्षमा करते। मेरा प्रियो, बहुत सारे टीचिंग ऐसे होते हैं और अलग अलग लोग ऐसे बोलते हैं, तुमने किया हुआ कर्म, तुमने गलती किया, तुमने पाप किया, तुम्हारा पूर्वजों ने पाप किया, तुम्हारा पिछले जन्म का पाप, तुम्हें तो सजा भुगतना पड़ेगा, तुम उसका सजा भुगत रहा है। लेकिन बाइबल हमें कहते हैं, हमें तुम्हारा यह मतलब है वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करते। हमारा परमेश्वर अधर्मों को, हमारे सारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ क्षमा करते। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमारा अधर्मों को, हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डालते हैं। उसका मतलब आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अगर प्रभु से कहे, प्रभु मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मुझे माफ करे, आमीन, परमेश्वर आपके सारे अपराध सारे गुनाहों को माफ करते हैं, वो सारे अधर्म हमें समुद्र की गहराई में, ताकि फिर कभी वापस ना आए। समुद्र की गहराई बहुत है ताकि वो वापस कभी ना। मेरा प्रियो, अधर्म क्षमा करने वाला एक परमेश्वर, अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। सब लोग बोलो, अधर्मों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। हम लूका रजी सुसमाचार में देखते हैं, लूका रजी सुसमाचार उसकी पांचवी अध्याय उसका 20वीं पद, वहां लिखा हुआ है, उसने उसका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुआ है। सब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, वो ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह एक व्यक्ति को बताते हैं, तुम्हारा पाप क्षमा करते हैं। हमें मालूम है वो स्टोरी, चार लोग एक लकवे के बीमार व्यक्ति को जो छत का वहां से वो निकाल कर उसको यीशु के पास, यीशु जहां पर बैठा हुआ वहां पर उतारा, क्योंकि भीड़ का कारण रास्ते से नहीं आ सकता था, ऊपर से उतार दिए। तो वहां पर यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति को बोलते हैं, तेरा पाप क्षमा हो गया। मेरा प्रियो, कभी कभी कुछ बीमारियां पाप का कारण होते, कुछ बीमारियां नेचुरली होते हैं, बहुत सारे बीमारी हमारी अपराधों का कारण, पाप का कारण हो जाते हैं। उसका एक बातें हैं प्रभु यहां पर बोलते हैं, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। हमने भी देखा है कुछ लोग अपनी गलतियों को प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका पाप क्षमा हो जाते हैं, उसका बीमारी भी चंगा हो जाते हैं। आमीन, यीशु मसीह अद्भुत चंगाई देते। मेरा प्रियो, ये बातें हमारा जीवन में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी अपराधों को छुपाना नहीं, प्रभु के सामने जाकर बोलना, लॉर्ड मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर। हमारा जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार रोग चंगे होने से बढ़कर, मुर्दा जी उठने से बढ़कर, हमारी अपराध क्षमा हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाते हैं, हमें मुक्ति मिल जाते, हमें मोक्ष मिल जाते। मैं हमेशा ये बातें बोलते, हम अधर्म क्षमा हो गया, मोक्ष मुक्ति मिल जाते। आपको मालूम है हमारा जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ी बात
अनंत काल की नरक से बच जाते। पौलुस बोलते, दाऊद बोलते हैं, वो तेरा सारे अधर्मों को क्षमा करते। मैं विश्वास करता हूं ये भजन संहिता नया नियम की विश्वासियों के लिए हमें दाऊद लिखता है। और इतना भी नहीं है, दाऊद का जीवन में भी प्रभु ने ऐसे किया है। दाऊद ने एक समय ऐसे पाप किया, गलती किया, लेकिन प्रभु के पास जाकर बोला, प्रभु मेरे पापों को, मैंने आपका विरोध में पाप किया। भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा कर, आप पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना करें, आपकी उपस्थिति से मुझे दूर ना करें। उसने प्रार्थना किया, मेरा प्रियो, अधर्म क्षमा करने के लिए प्रभु दयालु है, हमारा परमेश्वर करुणामय है, हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है। अगर कोई भी अपना अपराध प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, क्षमा करते हैं, याद करके देखें पिछले दिन हमने क्या क्या गुनाह किया, हमारे अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया, क्षमा किया है, हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। और कोई और वचन नहीं है, प्रभु ने हमें क्षमा किया, प्रभु ने हमारा अपराध क्षमा किया। विश्वास करें, आपके सारे अपराध प्रभु ने डिलीट किया, आप कभी पाप नहीं किया वैसे प्रभु आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, और उसके सब पवित्र उपस्थिति में आने के लिए, उसके सिंहासन के सामने प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें योग्यता दिया। इसलिए प्रभु को हर दिन धन्यवाद करना है। हमें से बहुत सारे लोग डेली हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी आशीष मिलते हैं, हमारी ज़रूरत पूरा हो जाते हैं, तब हम धन्यवाद करते, ज़रूर धन्यवाद करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारी अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु ने, प्रभु को धन्यवाद करना है। और कोई वजह नहीं, आप में से कितना लोग चाहते हैं मैं हर दिन प्रभु को धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात है, अगर हमसे छोटा सा गलती हुआ है, वो गलती आमेन, आप प्रभु के सामने जाकर बोलना, लॉर्ड आई डिड द मिस्टेक, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहता हूँ। प्रभु क्षमा करेंगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास जाकर यीशु मसीह दृष्टांत बताते हैं, सब कुछ उसने धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद किया, बाप के घर से दूर चला गया, लेकिन वापस आकर पिता से बोलते, प्रभु पिता मैंने आपका विरोध में पाप किया, मुझे आपका बेटा बनने के लिए योग्य नहीं है, मुझे एक दास बना दे। लेकिन बाप उसके गले लगाते हैं, वो है परमेश्वर क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, बाहों में लेने वाला, और आपको स्वर्ग के सारे आशीषों से मालामाल करने वाला, वो परमेश्वर हमारा है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कालवरी क्रूस पर पवित्र लहू बहाया, यीशु का लहू हर एक पापों को धोकर हमें शुद्ध करते, आपको शुद्ध किया, मुझे शुद्ध किया, उसका पवित्र प्रजा बनाया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सारे अपराधों को क्षमा किया। हम धन्यवाद करते हैं, आपने आपका संतान बनाया। हे अब्बा, हे पिता, पुकारने के लिए सुपुत्र की आत्मा दिया, स्वर्ग के सारे आशीष आपने हमें दिया है, आपने हमें दिया वो सारे उपकारों के लिए धन्यवाद। हर दिन धन्यवाद के हृदय के साथ जीवन बिताने के लिए सबको मदद करें। प्यारे पिता, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला वह सारे आशीष के लिए फिर से धन्यवाद। महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।